का फल मीठा होता है गाइस। दोस्तों देखिए, जैसे कि देख सकते हैं मैं मिक्स्ड वेज के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज रथ यात्रा है। आज कोई प्याज लहसुन कुछ यूज़ नहीं होगा किचन पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। और देखिए आज रथ यात्रा है, आज मंगलवार के दिन है। आज पूरा किचन पर वेज ही होगा, कोई प्याज लहसुन कुछ नहीं होगा। और आज हस्बैंड का भी छुट्टी है और बेटे का भी छुट्टी है। आप आज सब घर पर ही रहेंगे, छुट्टी का दिन आज एंजॉय करेंगे। जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म करके जल्दी जल्दी सब करेंगे। तो फिलहाल यही रखती हूँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए आगे आगे होता है क्या। वैसे फिलहाल मैं थोड़ा सा पता करके आ चुका हूँ किचन में, एंड मैंने आके देखा, सरप्राइज मिला मुझे। और मम्मी पूरी, ये रहा मेरी मम्मी, और ये कढ़ाई, और तो पूरी बना रही है मेरी मम्मी। और ये देख सकते बहुत सारे बना लिए, और कुछ भी बाकी है, बहुत सारे बनाने वाले, मेरा फेवरेट है। और ये है मेरी क्यूट मम्मी, भाई तब तो देख लो तुरा, देख देख यार, बेचारे के साथ ऐसे ही होता है मेरे साथ। ये ठीक है, देखा फुल रहा है। फुल गया, गोल्डन। और मैं बना रही हूँ अभी पूरी, क्योंकि आज छुट्टी के दिन है, टाइम मिला तो पूरी बना लेती हूँ। बच्चे भी खुश, हस्बैंड भी खुश। तो गाइस जैसे मैं बना चुकी हूँ सुबह का नाश्ते के लिए, और मैं पसीना से मेरा बुरा हाल है, क्योंकि आज छुट्टी भी है और कुछ ख्वाहिश पूरी करने बाकी है बेटे की, हस्बैंड की, जिसको जो पसंद है वही चीज़ बना रही हूँ आज के दिन। लेकिन आज प्याज लहसुन नहीं होगा, क्योंकि आज है रथ यात्रा। जय जगन्नाथ। तुम कर क्या रही हो तुम? ये देखिए पूरी, और बेटे के लिए भी पूरी, और बेटे का ख्वाहिशदार नमकीन जो होती है ना, वो छोटा छोटा नमकीन, और मैं बना रहा था। अरे तुम लोग कर क्या रहो सन के, आज होली के दिन क्या कर क्या रहे हो? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज तो रथ यात्रा है ना, जगन्नाथ का रथ यात्रा है, तो सो आज घर में भी अच्छा अच्छा पकवान बन रहा है। और क्या कर क्या रही है तुम लोग? ओके, मैं नहा के आ गया। ओके जी, चलो बाद में मिलते। तो देखिए, जैसे कि देख सकते हैं मेरा नहाना हो गया, नहाने के बाद पूजा भी हो गया, और हस्बैंड और बेटा टीवी देख रहे हैं, फुल मस्ती। बेटा टीवी देख रहे हैं और हस्बैंड भी टीवी देख रहे हैं। हम लोग जोम्बी का फिल्म देखने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जोम्बी देखते ही पागल हो जाते हैं। जोम्बी के फिल्म के लिए बार बार एक ही मूवी बार बार देखते हैं, हर एक एपिसोड देखते हैं, जोम्बी का कोई फिल्म बाकी नहीं है। ये दोस्तों हम कर रहे हैं अभी लंच, बेटा भी लंच कर रहे हैं, तो आप लोग भी लंच कर लीजिए। और बेटा भी लंच कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल यही रखती हूँ। देखिए दोस्त, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं हस्बैंड लंच कर रहे हैं, और हम लोग भी लंच करेंगे अभी सब मिलके, और बेटा भी लंच कर रहे हैं। हेलो गाइस, तो अभी लंच करूँगी। हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि जानते हैं आज छुट्टी का दिन है, हस्बैंड घर है, तो हस्बैंड पापा बना रहे हैं। हाँ, आज तो सा हॉलीडे है, चाय तो मैं ही बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं लंच के बाद सो जाती हूँ, सोने के उठ के कुछ नहीं करती,
मतलब चाय वाय नहीं पीती, लेकिन हस्बैंड को हैबिट है चाय पीने की, तो हस्बैंड ने चाय बना लिया। नींद से उठ के देखी थी चाय और इधर पापड़। अभी शाम नहीं हुआ, आवाज सोने वाले हैं। हस्बैंड चाय लिया ट्रे में और चाय गिरा गिरा के कैसे दिया, पर इतना है मुझे तो मिल रहा है ना, ना बना कर, ये अच्छा है। तो चलो फ्रेंड्स, चाय के साथ पापड़ का मजा लेती हूँ। चाय और पापड़ लेके हस्बैंड रेडी है। हस्बैंड आज चाय बनाया और पापड़ भी। बढ़िया। जैसे कि देख सकते हैं मैं बना रही हूँ मैगी और पापड़ भी तल लिया, क्योंकि हस्बैंड बेटे को ट्यूशन से लेकर आया और कि बेटा ट्यूशन से आकर मांग कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हो गया मैं मैगी। तो चलिए, कैसा बना? बढ़िया बना। ठीक है, बहुत टेस्टी है। चलिए मैं भी खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बेटा कर रहे हैं अभी पढ़ाई फिलहाल। आज का ब्लॉग यही खत्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत का फल मीठा होता है गाइस। हां, पता होगा।